हेलो दोस्तों, मेरे चैनल रूप टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। गर्मी के सीज़न में फलों का राजा आम को खाने के शौकीन तो सभी होंगे, और आम खाने का सबसे ज़्यादा आनंद तो तब होता है जब खुद के लगाए पेड़ में पके आम हो तो खुद से तोड़ के पका आम खाने का एक अलग ही टेस्ट होता है। इसकी तुलना आप बाज़ार में बिकने वाले आम से बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बाज़ार में जो पका आम मिलता है उसे कैल्शियम कार्बाइड नामक रसायन से पकाया जाता है, जो आपकी सेहत को भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। कैल्शियम कार्बाइड एक घातक कैंसर कारक रसायन होता है। इसके उपयोग से स्वास्थ्य को, ह्यूमन हेल्थ को बहुत हानि पहुंच सकता है। जल्दी बिक्री और ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में व्यापारी लोग आमों को केमिकल का उपयोग करके पका देते हैं और बाज़ार में खुले आम बेच देते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देते और रसायन युक्त आम को खरीद कर खाते हैं। इसलिए इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि आमों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का जो इस्तेमाल होता है उसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से प्रतिबंधित किया गया है, यानी इसका उपयोग करना गैर कानूनी है। गर्मी के इस मौसम में मैं अपने गाँव आया हूँ, जो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा ज़िले के बमनी ब्लॉक में पड़ता है। 10-12 साल पहले मैं अपने गांव के घर में 5-6 आम के पेड़ लगाए थे, जो आज बहुत बड़े हो गए हैं, और 4-5 साल से हमें हर साल इन पेड़ों से बहुत से कच्चे और पक्के आम मिल जाते हैं। इतने सारे आम होते हैं कि इनको हम अपने आसपास के रिलेटिव्स को भी बांट देते हैं। बहुत से आम तो आंधी तूफान में झड़क के गिर जाते हैं, और जो पेड़ में बच जाते हैं उसको प्राकृतिक तरीके से पेड़ में पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। अभी सभी पेड़ के जो आम हैं वो पकना चालू हो गए हैं, और डेली पका आम पेड़ से गिरते रहते हैं। हर दिन करीब एक महीने से डेली 2-3 किलो आम, पका आम मिल ही जाता है। इसका जो स्वाद है बहुत ही मीठा है, और यह प्राकृतिक तरीके से पका आम सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए हम 4-5 साल से बाज़ार से आम कभी नहीं खरीद रहे हैं। हमारे घर में ही इतना ज़्यादा होता है कि इसे बांटना पड़ता है। और भी बहुत से पेड़ मैंने अपने गांव के घर में लगाए हैं, जैसे संतरा का पेड़ लगाया है, मौसम्मी का भी पेड़ है, नींबू का लगाया है, कटहल का है, 2 पेड़ लीची के हैं जो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी बार हमें लीची की फ्रूटिंग नहीं मिली है। मे भी शायद नेक्स्ट ईयर लीची की फ्रूटिंग मिलना चालू हो जाए। और अनार के भी पेड़ हैं, तो लगभग मेरे सारे जो फलदार वृक्ष होते हैं उसको मैंने लगाया है, और आज 10-12 साल में बहुत बड़े हो गए हैं, और हर साल हमें इनसे फ्रूटिंग मिल रही है। और प्राकृतिक रूप से जो पेड़ में पक जाते हैं फ्रूट्स, उसे हम तोड़ के खाते हैं। अगर मेरी जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।